किसी का दबाव हम लोगों पर नहीं रहा। आप वोट दे दिए हैं? आप वोट दे दिए। बिस्मिल विधानसभा 35 से आते हैं आप? हाँ। रहा इस बार का इलेक्शन का बहुत बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा है ना, खुशी महसूस कर रहे हैं? जी आप बताएंगे आपका नाम? आप वोटिंग किए हैं? जी। कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। वोट दे दिए आप? कहाँ जा रहे हैं? गाछ लगाने जा रहे हैं। क्या चीज का गाछ लगाने? आम का? तारी का। तारी का? तारी दारू तो नीतीश कुमार बंद कर दिए हैं। दारू बंद कर दिया है, तारी चालू है। अभी भी पिलाइए रहे हैं सबको? हाँ हाँ पिला रहे हैं। तो आप वोट गिराए हैं? वोट तो गिरा दिए। दिखाए तो निशाना, दिखाइए ऐसे करके दिखाइए। उसमें नहीं लगाया, वो आ गया था प्रशासन। हाँ। तो इसमें नहीं लगाया। तो किस में लगाया? औंठा छाप दिए। औंठा छाप दिए? दोबारा गिराने का इरादा तो नहीं है? नहीं नहीं। तो आप जो इस बार वोट दिए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? सही है। किसी भी हो हल्ला बूथ पे? हल्ला गुल्ला नहीं। कौन सा बूथ पे आप हैं? बिस्मिल विधानसभा से आते हैं? हाँ बिस्मिल। कौन सा बूथ पे? 290। 290 पे। किसी भी तरह का दबाव? नहीं दबाव वबाव कहीं नहीं, कुछ नहीं मिला। कुछ भी नहीं। आप कुछ कुछ कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से सरकार को? कुछ नहीं कहना चाहते हैं। चलिए जी आपका नाम? हुकुम देव मुखिया जी। आप वोट दे दिए हैं? दिखाए तो निशाना। कैसा कैसा रहा इस बार का इलेक्शन? ठीक रहा? किसी भी तरह का दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। देखा गया कि पहले चरण और दूसरे चरण का जो इलेक्शन हुआ उसमें बहुत ही शांतिपूर्ण रहा। ये तीसरे चरण का इलेक्शन हुआ और शाम का भी 5 बज रहा है, शांति रहा है ना? चलिए सोशल डिस्टेंस का पालन। अभी ये नहर पे क्या कर रहे हैं? अभी तो 5 बजे है समय। आप क्या करेंगे? बैठे हुए हैं खुशी में। क्या किसी जिसको वोट दे रहे हैं वो जीत रहा है? हाँ जीतेगा तो एकदम एकदम जीतेगा। चलिए ये मेरा बॉस है सर। आप लोग हाँ बाबा जी आपका नाम? हमारा नाम जगदीश साहू। आप वोट दे दिए हैं? वोट दिए हैं। निशाना दिखाइए तो लगभग होगा। देखिए उड़ी कट गया। दिखाइए ना कहाँ पे है। कैसा रहा इस बार का इलेक्शन? हमारा सबके हिसाब से बढ़िया है। बाद में जो कोरोना महामारी का आन बार नहीं रहता था इस बार है? नहीं तो कुछ हम लोग नहीं जानते। हम लोग तारी दारू पीने वाला, हम तो बीमारी को हटा कर रखते हैं। तो इस बार जो इलेक्शन में वोट दिया था, लेकिन नीतीश कुमार तो कहते हैं कि तारी दारू बंद। हम गए थे वोट गिराने के लिए। एगो आपातिक आए अति लगा हम जा भी सर दर्शन आपको बात न। वहाँ पर हम बोले कि हम लोग तारी दारू पीने वाला है, हम लोग कोरोना बीमारी के रस के हम लोग नहीं आते। कोरोना महामारी में देखते हैं पूरे विश्व जहाँ डरता है, तो आप कहीं नहीं डरते? न सवाल ही नहीं है। जिस समय में रस दस होता था तो गांव के गांव सुधा होता है। कोरोना बीमारी कब मरता है? 2-4 मर गया लड़का बच्चा तक आता है कोरोना बीमारी को गया। तो क्या आप इस चीज को नहीं मानते हैं? हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन बाद में जो तो इस बार जिसको भी आप वोट दिए क्या वो जीत रहा है? तो अपना भर होशियारी से दिए हैं। किस वक्त बात रहा? किस वक्त बात रहा? जी सर आप बताएंगे आपका नाम? मेरा नाम शंभुनाथ झा है और प्रकाश पंडित जी मेरा नाम है। इस गांव का मैं पंडित हूं। बहुत बड़ा है पूरा जगतपुर सप्ताह, दोनों पंचायत के मैं पंडित जी हूँ। यहाँ पर नेता सब आते हैं, वादे तो सब करते हैं, लेकिन निभाने के लिए कोई नहीं आता, कोई भी नहीं। कितना कष्ट झेल करके हम लोग हैं, कितना कष्ट झेल करके हमारा जनता है, यहाँ का समाज है, क्या कहें इसके विषय में? इसके विषय में आप क्या किसी भी लीडर से के पास गए हैं? हम किसी के पास नहीं जाएंगे, क्योंकि हमारा बहुत सुंदर सरकार चल रहा है। अच्छा, जो सरकार चल रहा है उसी सरकार को फिर से बनाए हैं, वही सरकार होगी। तो इसका फिर, हाँ हाँ वही सरकार फिर होगी। चलिए दूसरा कोई सरकार मुझे नहीं चाहिए। तो आप लोग जो है सो मतलब एक पूरा संतुष्ट? हाँ पूरा संतुष्ट हूँ, अपना वोट गिराया हूँ। किसी तरह का दिक्कत दबाव? कोई दिक्कत नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो पीछे आप कई सालों से वोट देते आए होंगे, लेकिन इस बार का जो 2020 का है कोरोना महामारी में वो कुछ अलग ढंग लगा क्या? एक ऐसा ही था, सब डिस्टेंस बना करके थोड़ा मास्क लगा करके वोट इलेक्शन हुआ है। इलेक्शन हुआ है बहुत अच्छा से हुआ है। सब आदमी अपना मत का प्रयोग किया है, कोई जवाबदेही नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कि इसी पर देना या उसी पर देना। जनता कहने वाले जो बिचौलिया हैं, जो दलाल हैं, कहने वाले कहे ही हैं, जा करके क्षेत्र में बोले ही हैं जो बिचौलिया हैं, लेकिन जनता समझदार है। जनता समझदार है कि संघ दुख में हमको कौन साथ दिया, जो दुख में साथ दिया उसका जनता भी साथ दिया है। तो जो दुख में साथ दे उसी को चुनना चाहिए। उसी को चुनना चाहिए, जनता भी चुना है। अब तो फैसला होगी 10 तारीख को। 10 तारीख को फैसला होगा। तो फैसला 10 तारीख को दिखाई देगा। 10 तारीख को होगी शाम में 5 बजे। हां जी आप बताएंगे आपका नाम? तो कैसा रहा इस बार विधानसभा का इलेक्शन? ठीक है। किसी भी तरह का परेशानी? नहीं कोई परेशानी नहीं। चलिए कोई परेशानी नहीं। जी आपका नाम? तो आप वोट दे दिए हैं, निशाना दिखाएंगे?
तो कैसा रहा इस बार का वोटिंग? किसी तरह का दबाव? जी आपका नाम? राम सुधीर। आप किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? वोट संख्या 9। तो इस बार का इलेक्शन कैसा रहा और सालों के तुलना में? अच्छा रहा। किसी भी तरह का दबाव? नहीं। आप जिसको भी वोट दे क्या वो जीत रहे हैं? हाँ। कैसा महसूस कर रहे हैं इस बार वोटिंग करके? कैसा महसूस कर रहे हैं? खुशी हो रहा है क्या? हाँ, खुशी हो रहा है। खुशी है ना? बदलेगा उसका। चलो ठीक है बाबा जी। आपका नाम? आप कितने सालों से वोट गिराते आ रहे हैं? 40 वर्ष। कितना उम्र होता होगा आपका? 65-70। कैसा रहा इस बार का इलेक्शन का? बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा है ना? खुशी महसूस कर रहे हैं? जी आप बताएंगे आपका नाम? आप वोटिंग किए हैं? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा। किसी भी तरह का दिक्कत वहाँ पे? दिक्कत नहीं। जी आप बताएंगे क्या वोट दे दिए हैं? निशान दिखाएंगे? इधर दिखाई कैमरा की तरफ निशान। कैसा रहा इस बार का वोटिंग? कैसा वोटिंग रहा? किसी भी तरह का दिक्कत हो हल्ला नहीं ना रहा? चलिए आप बताएंगे आपका नाम? आप बिस्तु विधानसभा 35 से आते हैं। कैसा रहा इस बार का इलेक्शन का मुद्दा? किसी भी तरह का दिक्कत नहीं ना रहा? आप वोट दे दिए हैं? वोट दे दिए। बिस्तु विधानसभा 35 से आते हैं आप? हाँ। वोट दे दिए आप? कैसा रहा इस बार का इलेक्शन का वोट? किसी भी तरह का दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं। नहीं ना? आप वोट दिए हैं? किसी भी तरह का भीड़ भाड़, किसी तरह का दबाव किसी भी पार्टी से नहीं ना रहा है? आप बीसवीं विधानसभा 35 से आते हैं? 35 से आते हैं। चलिए आप वोट दिए हैं? दिए हैं वोट? चलिए बहुत अच्छा। आप वोट दे दिए हैं? वोट दे दिए। बीसवीं विधानसभा 35 से आते हैं आप? हाँ।